नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro वर्सेस Realme 3 को एक दूसरे के साथ, और आपको बताने वाले हैं इसकी पूरी फुल रिव्यू और डिटेल, और आपको इस वीडियो में पूरी स्पेसिफिकेशन भी देने वाले हैं इन दोनों फ़ोन्स के बारे में, और बताने वाले हैं आपको इनमें से कौन कौन से फीचर सबसे बेस्ट मिल जाते हैं और दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है आपके लिए। जी हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, दोनों डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है जो कि हाल ही में लॉन्च हुए हैं, जो कि Redmi Note 7 Pro हुआ था 28 फरवरी को और Realme 3 हुआ था 4 मार्च को रिलीज़ इसी महीने में। और हम दोनों इसका कंपेयर इसलिए लेकर आए हैं, बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे सर प्लीज़ इन दोनों का कंपेयर कीजिए, इसलिए इसका हम कंपेयर लेकर आए हैं। एक तरफ है हमारे पास Realme 3 जो कि बहुत ग्लासी लुक के साथ आपको देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ है हमारे पास Redmi Note 7 Pro जो कि ब्लैक वेरियंट में हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम इन दोनों के डिस्प्ले की बात करें, इन दोनों में डिस्प्ले आपको फोटोड्रॉप नोच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इन दोनों स्क्रीन में। और पीछे की बात करें Redmi Note 7 Pro में, आपको पीछे की लुक आपको ग्लासी लुक देखने को मिल जाती है जो कि बहुत प्राइमरी लुक देखने में लगती है। और दूसरी तरफ Realme 3 में आपको बैक पैनल की लुक देखने को मिल जाती है जो कि बोली कार्बन के साथ आपको बैक शे की लुक देखने को मिल जाती है, हालांकि ये भी बहुत शाइनिंग लुक देखता है। और पीछे की तरफ आपको पता ही होगा दोनों फ़ोन में डुअल कैमरा देखने को मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं और आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम दोनों के डिस्प्ले की बात करें, Redmi Note 7 Pro में आपको 6.3 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, विद गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और दूसरी तरफ आपको Realme 3 में आपको 6.2 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है और गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि Redmi Note 7 Pro में आपको फुल HD देखने को मिल जाती है, पर Realme 3 में आपको HD देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं इन दोनों की वीडियो क्वालिटी के। और उसी के साथ बोला जा रहा है Realme 3 Pro में फुल HD स्क्रीन आने की संभावना है। अब इसके प्रोसेसर की बात करें, Redmi Note 7 Pro में आपको Snapdragon 675 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ Realme 3 में आपको MediaTek LOP P70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि हमारे पास स्टोरेज के वेरिएंट है, और हमारे पास 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल के स्टोरेज के साथ ये दोनों फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉयड पाई का वर्जन देखने को मिल जाता है इस दोनों फ़ोन्स में, और साथ ही साथ इसमें आपको कलर 6 प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है Realme 3 में, और Redmi Note 7 में आपको MIUI 10 का प्रोसेसर भी कलर देखने को मिल जाता है। हालांकि Redmi Note 7 Pro में Snapdragon थोड़ा सा हाई लेवल का है, पर MediaTek भी उसको टक्कर देने की पूरी संभावना रखता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं Realme 3 में आप बड़ी हैवी गेम खेल सकते हैं, PUBG वगैरह भी बड़े आराम से खेल सकते हैं इस फ़ोन में। अब बात करते हैं इन दोनों के कैमरे की। Redmi Note 7 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, और आपको Realme 3 में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि Realme 3 में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 का मिलता है, और Redmi Note 7 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कुछ सैंपल हैं 48 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल जो लिए हैं। डेफिनेटली Redmi Note 7 Pro थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल 2 का कैमरा देखने को मिल जाता है, बहुत डिफरेंट है। इस वजह से Redmi Note 7 थोड़ा सा आगे निकल जाता है Realme 3 से। और इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें, इन सेल्फी कैमरे में आपको दोनों की तरफ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों के बैटरी की बात करें, इन दोनों में बैटरी आपको Redmi Note 7 Pro में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और Realme 3 में आपको 4230mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी के मामले में Realme 3 आगे है, चिपचैप के मामले में Redmi Note 7 Pro आगे है, कैमरे के मामले में भी Redmi Note 7 आगे है, तो बस दो डिफरेंट है
पर बाकी कॉमन चीज़ सब में आपको रियलमी 3 में भी मिल जाती हैं और रेडमी नोट 7 में भी मिल जाती हैं। बस इतना ही था रेडमी नोट 7 प्रो वर्सेस रियलमी 3 की कंपैरिजन वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करके हमको ज़रूर बताना आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगता है और कौन सा फ़ोन सबसे बजट में आ जाता है आपके, और हमको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।